मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आपने मीठे नीम के विषय में सुना होगा, जिसको करी पत्ता भी कहा जाता है और इसको अनेक व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है। अक्सर जब कढ़ी बनाई जाती है तो उसमें इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल आपने देखा होगा अनेक बाजार से जो नमकीन हम लेकर आते हैं उसमें भी करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और उसे व्यंजनों का स्वाद बढ़ जाता है। और अभी तो कुछ लोग दाल वगैरह में भी करी पत्ते का प्रयोग करते हैं और अक्सर कई व्यंजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और ये लगभग प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। आज मैं इसके औषधीय गुणों के विषय में आपको बताऊंगा। इससे हमारे 7 प्रकार के रोग कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति है, आप इसको प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। और ये चबाने में मीठा लगता है, कड़वा नहीं होता। कड़वा नीम अलग है और ये मीठा नीम अलग है, जिसको कढ़ी पत्ता कहा जाता है। तो इसको यदि हम उबाल करके प्रयोग करते हैं, इसका पानी पीते हैं, तो अनेक लाभ आते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको ये मजबूत करता है, यानी रोगों से बचाता है। क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके कारण ये हमारी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करता है। और इसी के साथ साथ दूसरा नंबर है, ये हमारे वजन को भी कम करता है। इसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको सुचारू रूप से बनाए रखने की क्षमता है, इसे ये वजन भी नहीं बढ़ने देता। और तीसरे नंबर पर है शरीर को डिटॉक्स करना। हमारे शरीर में जो भी गंदगी समाई हुई है उसको ये डिटॉक्स करता है। और नंबर 4, त्वचा रोगों से हमारी जो है रक्षा करता है, किसी भी प्रकार के त्वचा रोगों से हमें बचाता है और हमारे शरीर पर निखार बनाए रखता है। और नंबर 5 है पाचन क्रिया को दुरुस्त करना। ये बहुत ही पाचक होता है, ये हमारे पेट में जाकर के जो पाचक रस होते हैं उसको उसकी वृद्धि करता है, इसलिए पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। और दिल की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को घटाने की क्षमता इस पत्ती में है, तो इसलिए इसको हम अपने दिल की बीमारियों को दूर रखने के लिए, अपने दिल की सुरक्षा के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। और 7वां है मधुमेह। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं वे प्रतिदिन इसका प्रयोग कर सकते हैं और आम स्वस्थ व्यक्ति भी प्रतिदिन इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रयोग इसका कैसे किया जाता है। जो भाई बहन हमसे सब नए जुड़े हैं वे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपको नई नई जानकारी प्रदान करते रहे। तो इसको प्रयोग करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। 200 मिलीलीटर पानी लीजिए, शुद्ध पानी, और उसमें लगभग 20 से 25 पत्तियां अच्छी तरह तोड़ करके डाल दीजिए और इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। जब पकते पकते लगभग 50 मिलीलीटर शेष रह जाएगा तब इसको छान करके और हल्का ही गुनगुना करके इसको सुबह खाली पेट पिया करें, प्रतिदिन खाली पेट पिया करें। बहुत ही सुविधाजनक वनस्पति है, हर स्थान पर उपलब्ध है और इसको प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने डाइजेशन को बनाए रखने के लिए, अपने हार्ट की रक्षा के लिए, अपनी त्वचा की रक्षा के लिए इसको निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की हानि शरीर को नहीं पहुंचाता। तो भाइयों बहनों, ये जानकारी मैंने आज आपको दी है, आप इससे लाभ उठाएं, प्रयोग करके देखें।
और कमेंट में बताएं कि आपने किस प्रकार से इससे लाभ उठाया, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।